सारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब, इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो कोई दो एक ऑटो रिक्शा साथ में आया तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम नहीं, आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें क्या कर लूं मुझे बताओ। इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग, एक परोसता हुआ आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो यह है कि जब पंगत बैठती थी और आप देखते रायते वाला आ रहा है तो कटोरी लेकर, क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे क्या ऑब्जर्वेशन भैया, तुरंत से आ भैया कोई आगे निकल जाए। मेरे दादाजी वो कोई पंगत में बैठा अंधेरा था, कोई आगे निकले, इधर इधर देख थाली में क्या गिरा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है तो डालना। अरे इतने आइटम को खाया जाता है इटालियन काउंटर ने, ये काउंटर ने, वो काउंटर ने, थाई काउंटर ने, फाउई काउंटर ने, कोई खाया जाता है क्या? और करोड़पति आदमियों को बापू भिखारी बनते हुए देखना है तो तंदूर पे देखो, वो रोटी के काउंटर पे अरबपति भिखारी खड़े होते हैं, ए रोटी डालना ए। एक अब से खड़ो यार, तेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या यार, यहाँ पे लेडीजों को दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा यार, ये क्या कर रहे थे नजर, हमने कहा लिफाफा दिया नहीं, डालना यार रोटी डालना यार। हाँ और क्या, मुझे लगता है शादियों में आजकल मैं देसी कट्टा लेके जाऊंगा, रोटी डाल रोटी आवे जब तक सब्जी ठंडी, सब्जी लेके आओ फिर रोटी नहीं मिले, आदमी तो चक्कर ही लगाता रहता है। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, मां के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाओगे? क्या बात है भैया, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती थी, वो हाथ जिनसे वो